पूरी सब्जी भाई साहब तैयार है, बकायदा पूरियां भी तली जा रही थी। वैसे भाई साहब बाराबंकी जनपद में संत रविदास जयंती मनाया जा रहा था बड़े धूमधाम के साथ भाई साहब, और बड़े हर्षोल्लास के साथ बाराबंकी जनपद के नागेश्वर नाथ मंदिर से लेकर के छात्रावास भाई साहब सजा देखने को मिला और बकायदा यात्राएं भी निकाली गई। एक से बढ़कर एक भाई साहब नजारे और आकर्षित कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। ऐसे भाई साहब आम जनमानस क्या कह रहे हैं, खास तौर से वरिष्ठ नागरिक सुनिए जरा। वैसे तो भाई साहब युवा भी काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहा था। आज रविदास जयंती है, इसके ऊपर उपलब्ध में क्या संदेश देना चाहेंगे बाराबंकी जनपद वासियों? संत रविदास जयंती पर समता और बंधुता का संदेश जो गुरु रविदास ने दिया था वही यहाँ पर प्रसारित करने की जरूरत है। हमारे आपके बीच में आज गुरु रविदास की वाणी के माध्यम से इतने लोग उपस्थित हुए हैं कि उनके श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे और उनके संदेश को अंगीकृत करने के लिए यहाँ पर जिले के कोने कोने से लोग पधारे हैं। आज मैं हृदय से उन सबका स्वागत करता हूँ, इस अवसर पर सबको भूत भूत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जिगे जिगे कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, जैसे की झांकियां निकली हुई हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे जनपद में या पूरे देश में कहिए कि ये गुरु रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम सारे देश में कोने कोने पर जिले के तमाम ग्रामीण अंचलों तक इस कार्यक्रम को लोग मना रहे हैं, कर रहे हैं। इससे तो आप ये निश्चित संदेश ले सकते हैं या इससे निश्चित रूप से ये विश्वास कर सकते हैं कि आज गुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर पूरा पूरा समाज, जो पिछड़ा हुआ समाज है, दलित समाज है, वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयारी कर रहा है और उस रास्ते को अंगित करते समाज में अपना स्थान बनाने के लिए पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। यही आज उनका संदेश है, फलीभूत होगा। इससे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है संत रविदास के चरणों में। क्या नाम लिखते हैं पूरा अपना? AP गौतम।